जी मेहमान इमरान प्रतापगढ़ी जी जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आपकी डिमांड जो थी वो आज उन्होंने पूरी की है। आपके बीच आकर मैं यहाँ आकाश भारत जी आपके बीच में आए हुए हैं और मेरे साथी मेरे भाई चिल्ली ब्लॉक से, जगियाल ब्लॉक से, तहरा ब्लॉक से, ठाठरी से सभी मेरे भाई आए हुए, सबको मेरी तरफ से सलाम। आज आप जानते हैं कि यहाँ पे कैसा माहौल है, यहाँ जो माहौल बनाया गया है, ये जो आपके बीच आज कई सारे नेता आ रहे हैं जो 10 साल से सोए हुए थे, जो पिछले 10 साल से आपको कहीं नहीं दिखे, आज घर घर जा रहे हैं और आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको फिर से एक बार गुमराही के रास्ते पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो ये जनता आप देख रहे हो, ये राहुल जी की फैन है, ये कांग्रेस पार्टी की फैन है, क्योंकि यहाँ का युवा राहुल जी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ का युवा जो पिछले 10 साल से बेरोजगारी का शिकार हुए हैं, यहाँ का एक एक नौजवान, एक एक बच्चा, बूढ़ा बुजुर्ग जो पिछले 10 साल से बहुत बड़ी परेशानियों में मुब्तला रहे, जो 10 साल यहाँ भाजपा ने सरकार चलाई और सभी भाइयों को कुचलने की कोशिश की, हमारे एरिया को दबाने की कोशिश की, हमारे नौजवानों को दबाने की कोशिश की, लेकिन जो विचारधारा राहुल गांधी जी की है वो आप सभी भाइयों को पता है कि उनका यहाँ हमारी स्टेट के साथ कितना लगाव है, कितनी तड़प है उनको। जब उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली, आपने भी उसमें हिस्सा लिया, जो पैदल पद यात्रा निकाली उन्होंने, आप सभी भाइयों ने हिस्सा लिया, जो जो यहाँ का नौजवान जुड़ता गया, क्योंकि यहाँ का नौजवान परेशान हाल था, लेकिन अगर उस परेशानी को कोई खत्म कर सकता है, अगर उस परेशानी को कोई दूर कर सकता है, तो वो आप जानते हैं कि हमारे महिला लीडर राहुल गांधी जी ही खत्म कर सकते हैं और कांग्रेस पार्टी ही हमारी परेशानियों का हल है। हमारे मुस्तकबिल का फैसला कांग्रेस पार्टी ही करेगी। आज जुमे का दिन है, आप सुनने के लिए इमरान साहब प्रतापगढ़ी को आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, अलबत्ता इतना जरूर कहूंगा कि जो हमारे दरियाओं से बिजली बनती है वो मुख्तलिफ स्टेटों में यहां से जाती है, तो हमारा मुद्दा यह रहेगा कि हमें यहाँ कम से कम बिजली फ्री मुफ्त में मिलनी चाहिए और हमारी बेरोजगारी को खत्म होना चाहिए, हमारी बेरोजगारी आगे नहीं बढ़ेगी।
यहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अब आपके सामने आपके चाहते आपके दिलों की धड़कन आपके सामने आपसे शायराना अंदाज में आपको पता ही है ये किस अंदाज में पूरा हिंदुस्तान उनको चाहता है पूरा भारत चाहता है। तो आप भी इन्हीं को सुनने के लिए आए हैं। हमारा तो